नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में, मतलब वो शेयर रिलायंस ग्रुप का जो कि अभी तक में इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। तो इस मल्टी बैगर शेयर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे उसमें क्या राज है, क्या वो शेयर आगे भी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आलोक इंडस्ट्रीज। देखते हैं आलोक इंडस्ट्री का ये चार्ट है और शेयर जो यहाँ पर देख सकते हैं पहले गिरावट आ रहा था इसमें, और जब ये अपर सर्किट हीट करना चालू किया तो देखते हैं आप लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। कभी भी ये शेयर आपको अपर सर्किट से बाहर आता हुआ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ इसमें देखते हैं ट्रेडिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा शेयर मतलब बाय सेल हुआ, और यहाँ पर थोड़ा जहाँ जहाँ ये कैंडल आपको दिख रहा है ये 3 आवर्स का कैंडल है, इस पर जहाँ जहाँ ये कैंडल आपको दिख रहा है थोड़ा सा वहाँ पर जो है ट्रेडिंग हुआ, मतलब शेयर बाय और सेल हुआ, नहीं तो ज़्यादातर देख सकते हैं शेयर बाय सेल भी कभी नहीं हुआ। वॉल्यूम देख सकते हैं काफ़ी छोटा है, मतलब कोई कोई आदमी यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया अपना बीच बीच में, तो बस उतना ही दिखा रहा है। अभी जो इसका करेंट प्राइस है, करेंट प्राइस जो आलोक इंडस्ट्री का अभी है वो 40 रुपीज़ से भी एफब है, मतलब अभी जो इसका करेंट प्राइस है वह है 45 रुपीज़ 95 पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 रुपीज़ 95 पैसा। तो लगातार ये अपर सर्किट हिट कर रहा है। पहले जब ये रिलिस्ट हुआ था ये 17 रुपीज़ के आसपास हुआ था, वहाँ से ये 4 रुपीज़ तक आया था। 4 रुपीज़ पर जिन्होंने भी बाय किया काफ़ी वो प्रॉफिट में है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको अभी उसको होल्ड करना चाहिए अगर बाय किए हैं, अगर नए लोग हैं तो उसको बाय करना चाहिए या नहीं। तो ये आपने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देख लिया, इसमें जो मतलब RSI है वो तो 100 से भी ऊपर है, मतलब RSI का रेंज ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये दिख रहा है कि कोई रेंज ही नहीं है, मतलब ओवर बाउट, मतलब इतना बाउट कि इसमें सेल करने वाले लोग ही नहीं है, मतलब जो भी शेयर सेल होता है उसे बाय कर लिया जाता है। तो देखा आपने कि आलोक इंडस्ट्री कितना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, ये 4 रुपया से अभी 45, मतलब 11 गुना रिटर्न दे चुका है जिन्होंने लोअर लेवल पे बाय किया। सारे स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपको होना चाहिए अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड है। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो है आलोक इंडस्ट्री इतना ज़्यादा मतलब लगातार अपर सर्किट को क्यों हिट कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ कन्वर्टेड इट्स न्यूली एक्वायर्ड टेक्सटाइल एंड अप्रैल फैब्रिक्स मेकर आलोक इंडस्ट्री इंटू PP मैन्युफैक्चर। तो जो आलोक इंडस्ट्री है उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, PP मैन्युफैक्चर में, किसने, रिलायंस ने। रिलायंस और JM फाइनेंस दोनों मिलकर के आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर किया, उसके बाद इसे लगा दिया PP मेकर में, क्योंकि ये पहले से टेक्सटाइल कंपनी था। आप यहाँ देखिए इसका जो कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख PP किट, मात्र जो गुजरात में इनका जो मतलब ब्रांच है, मतलब जो फैक्ट्री है उसमें 1 लाख PP किट डेली बन सकता है, और इसे मात्र ये 650 रुपया पर यूनिट पर बेचते हैं, जबकि जो इंपोर्ट हो रहा था PP किट चाइना से 2000 रुपया पर पीस। तो समझ सकते हैं 1/3 कर दिया, मतलब 1/3 प्राइस भी कर दिया, और डेली प्रोडक्शन जो है 1 लाख PP किट का हो रहा है, और आगे माना जा रहा है कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा अन्य मतलब कंट्री में, तो एक्सपोर्ट करने का भी आगे चांस है, मतलब आगे PP किट अगर अधिक उत्पादन होता है तो इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे 2000 रुपये के प्राइस पर, अब मात्र आलोक इंडस्ट्री 1 लाख रुपया, मतलब 1 लाख पीस डेली PP किट तैयार करता है और मात्र 650 रुपया पे वो प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए खुशी की बात है कि जो इससे नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसके लिए PP किट तैयार किया जाता है सुरक्षा के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, अदर वर्कर्स इंगेज इन फाइटिंग COVID-19, तो उसके लिए वो सेफ गार्ड का काम करता है, तो ये सेफ गार्ड के लिए बनाया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। तो बहुत ही इससे आलोक इंडस्ट्री को बेनिफिट्स होगा, क्योंकि अभी तक जो कंपनी थे वो प्रॉफिट मेक नहीं कर पा रही थी, तो उससे कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, तो जिसके कारण आपको दिख रहा है कि आलोक इंडस्ट्री में लगातार अपर सर्किट हीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें अभी शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सारे मतलब क्राइटेरिया के अभी में बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा है आलोक इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म चार्ट, उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं 968%, मतलब ये 1000% तक रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को, यहाँ से देखते हैं
968%, मतलब 1000 के करीब है इसका रिटर्न। तो समझ सकते हैं मतलब 10 गुना आपका रुपया कर दिया अगर आपने मतलब 4 रुपीज़ के आसपास बाय किया था। तो इसमें जो होना चाहिए आपका, अगर आप हैवी क्वांटिटी बाय किए हैं तो कुछ आपका 10% शेयर जो है प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में अगर लोअर सर्किट लगा तो फिर आप सेल भी नहीं कर पाओगे। और अगर कंपनी प्रॉफिट अगर देती है, मतलब प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है, तो फिर आपको अपना प्रॉफिट मतलब अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकाल करके फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। मतलब और जब जब बीच में हो, जब जब सर्किट खुलने लगे, देखिए कि प्राइस बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो अपना प्रॉफिट उसमें पार्सली बुक करते जाइए, पार्सल प्रॉफिट। जैसे 10% स्टॉक आप सेल कर दिए, बहुत ही हाई प्राइस हो चुका है, तो आप उसमें जो है प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा अगर आपने हैवी क्वांटिटी बाय किया। अब जो 100 शेयर बाय किए हैं उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास शेयर बहुत ही कम है। तो जो हैवी क्वांटिटी बाय किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शेयर बाय किए हैं, उन्हें सेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। और नए लोग जो है वो अभी बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी लगातार अपर सर्किट हिट हो रहा है, तो ऐसे में आपको शेयर मिलेगा ही नहीं। अगर बाय करना ही चाहते हैं, लेकिन बाय करके अगर आप इसमें ट्रैप हो गए तो फिर वो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर प्राइस लोअर सर्किट लगने लगा तो फिर आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद चाहते कि आप हम रिस्क ले सकते हैं कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके, तो आपको एमओ ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो प्लेस कर देना चाहिए रात्रि के जो शाम के 6 बजे है, 8 बजे रात में, उसी समय एमओ ऑर्डर आप प्लेस करते हैं मार्केट प्राइस पर। आपको लिमिट नहीं लगाना है, मार्केट प्राइस लगाना है, तो आपका हो सकता है कि कुछ शेयर आपको मिल जाए। लगातार 2-4 दिन आप ट्राई करेंगे तो सर्किट ओपन होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर सर्किट लोअर लगने लगा तो फिर आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपना खुद रिसर्च करेंगे, खुद निर्णय लेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे कि अगर आप बाय करते हैं इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो खुद जिम्मेदारी लीजिएगा। हम इस शेयर में बाय करने का रिकमेंडेशन किन्हीं को नहीं देते हैं। अब जिनका काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आलोक इंडस्ट्री के हम बिजनेस की बात करते हैं, तो पहले से इनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। देखते हैं एसोसरीज बनाती है, एप्रल फैब्रिक्स बनाती है, देखते हैं कॉर्डिनेटेड पैटर्न्स बनाती है, कॉटन एंड ब्लेंडेड यार्न बनाती है। तो ये काफ़ी मतलब हमारे जो गारमेंट्स है वुवेन एंड नीटेड होम टेक्सटाइल बनाती है, पॉलिस्टर बनाती है, देखते हैं। उसके बाद जो शॉपिंग बैग बनाती है, यहाँ देखते हैं 12 मिलियन पीसेस पर एनियम, मतलब हर साल 12 मिलियन बैग्स बनाती है शॉपिंग बैग्स। तो ये सारे मतलब इसके प्रोडक्ट है आलोक इंडस्ट्री के, जो कि प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में रहने वाले सब दिन, बस इनको जो मार्केट है उसे कैप्चर करना है। अगर एक बार ये मार्केट कैप्चर कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हैंड कर्चिप भी बनाती है, शॉपिंग बैग तो आपने देख लिया 12 मिलियन हर साल, उसके बाद हैंड कर्चिप बनाती है। उसके बाद हम आलोक इंडस्ट्री के ऊपर डेप्ट जो था, बहुत ही ज़्यादा डेप्ट था, जिसके कारण आलोक इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई। और जब बैंकक्रप्ट हो गई तो उसके बाद इसे जेएम फाइनेंस और जो रिलायंस है उसे ओवरटेक कर लिया, मतलब बाय कर लिया 5000 करोड़ में, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर उन्होंने बाय किया, जबकि कंपनी के पास कुल डेप्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक था। चलिए तो हम आपको बैलेंस शीट दिखाते हैं आलोक इंडस्ट्री का। तो ये देखिए आलोक इंडस्ट्री का बैलेंस शीट है, अभी तक इसका जो है 2 क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट भी अपडेट नहीं हुआ। कंपनी के पास रिजर्व देखिए निगेटिव में है, 15,000 निगेटिव में रिजर्व। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास टोटल डेप्ट 23,000 करोड़ देखते हैं, टोटल डेप्ट 23,000 करोड़, और 5,000 करोड़ में रिलायंस ने इसे और जेएम फाइनेंस ने मिलकर के इसे बाय कर लिया। तो समझते हैं काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल गई उनको। उसमें 5,000 करोड़ में भी मात्र 500 करोड़ जो है पे किया गया, और जो बाकी बात है 4,500 करोड़ जो लोन था बैंक का, उसे रिलायंस ने क्रेडिट पर ले लिया कि इसका क्रेडिट रिलायंस लेता है, उसे पे करेगा। उसके बाद बुक वैल्यू देख सकते हैं काफ़ी निगेटिव में है, लगातार ये कंपनी का बुक वैल्यू निगेटिव में, पहले पॉजिटिव में हुआ करता था, धीरे धीरे ये कंपनी का बुक वैल्यू भी निगेटिव में चला गया। तो ये सारे निगेटिव चीज़ें हैं जो कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को मतलब बैंकक्रप्ट बना दी, और कंपनी जो है वो एनसीएलटी में गई, और वहाँ से जेएम फाइनेंस और रिलायंस ने ओवरटेक कर लिया। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इसका जो सेल्स है लगातार इंक्रीज हुआ है आलोक इंडस्ट्री का, लेकिन कंपनी प्रॉफिट जनरेट उस पर नहीं कर पाई, जिसके कारण जो अपना लोन है, अपना जो डेप्ट है वो पे नहीं कर पाई। देख सकते हैं मात्र नेट प्रॉफिट छोड़िए
नेट लॉस है 189 करोड़ का, और जहां 26,000 करोड़ का डेब्ट हो तो वहां कैसे पे होगा, इतना हैवी डेब्ट था कंपनी के पास। तो ये सारे आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप निर्णय करने में सक्षम हो पाए होंगे कि आपको आलोक इंडस्ट्री में बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।